जी हाँ, वॉर टू में अब हमको एक और नई एंट्री देखने को मिल चुकी है स्पाई यूनिवर्स, यानी कि जिसका शुरुआत जिससे सलमान खान के साथ एक था टाइगर के साथ हुई थी, उस स्पाई यूनिवर्स में अब एक और लेडी आ रही है, एक और लीडिंग लेडी के रूप में कियारा आडवाणी की एंट्री हो रही है, उनकी एंट्री हो रही है वॉर टू के अंदर। वॉर टू में अब हमको देखने को मिलने वाली है कियारा आडवाणी, हो सकता है आगे जाकर देखने को मिले। हालांकि देखिए, टाइगर थ्री तो अब ऑलरेडी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका था उसमें, तो वो देखने को उनका कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी एंट्री ही वॉर टू से हो रही है। मतलब हम सभी जानते हैं कैटरीना कैफ ऑलरेडी जोया के रूप में मौजूद रही है सबसे पहले, उसके बाद अभी पठान के जरिए एंट्री हुई, फिर दीपिका पादुकोण की, और उसके बाद अगर आप देखें उसके बाद अब एंट्री हो रही है कियारा आडवाणी की वॉर टू में। तो एंट्री उनकी वॉर टू में होगी तो ये ज़रूर हो सकता है कि आने वाले वक्त में, और मुझे नहीं लगता उनकी एंट्री कराई गई तो मुझे नहीं लगता उनके किरदारों को ख़त्म किया जाएगा या डेथ करवा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, तुरंत ही आने वाली फिल्मों में ज़रूर कर दिया जाए वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अपकमिंग वक्त में और जो फिल्म में आएंगी, हो सकता है उसमें अगली फिल्म में जैसे सलमान और ये इनके साथ में, मुझे लगता है कियारा आडवाणी देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि उनका कैरेक्टर एग्जैक्ट क्या है ये तो अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि वो वाकई में कोई एक स्पाई ही बनी होने वाली है या कुछ और कैरेक्टर होने वाला है क्या होना है, लेकिन वो पक्के में कोई ना कोई उनका एक तरह से आप कहते सीक्रेटिव सा कैरेक्टर, रहस्यमय सा कैरेक्टर, ऐसा तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही। वॉर टू के अंदर एंट्री होने वाली है, मज़ा आ जाएगा, हम सभी जानते हैं वॉर टू में हो सकता है सलमान खान का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं स्पाई यूनिवर्स को और बेहतर से बेहतर बनाते चली जा रही है एक के बाद एक के बाद एक के बाद। साउथ के एक्टर जूनियर एक्टर NTR को भी ले लिया है ताकि फिल्म में साउथ में भी अच्छा परफॉर्म कर सके, तो ये सारी चीज़ें होनी होनी, क्योंकि अगर आप देखें तो पठान को कह रहा है हम 1000 करोड़ से ऊपर कमाई कर ली, लेकिन अगर आप साउथ में देखें तो फिल्म ने कुछ भी साउथ में कमाई नहीं करी है, साउथ में कुछ कमाई नहीं कर पाई। इवन अगर आप देखें तो पठान के साथ कहा जा रहा है कि साउथ में बहुत अच्छी कमाई करी बॉलीवुड फिल्मों के लिहाज से, लेकिन अगर आप नंबर्स देखेंगे तो बहुत ही कम कमाई देखने को मिलती है। इसी वजह से वॉर टू में उन्होंने ये चालाकी की और ये होशियारी की है मेकर्स की तरफ से, यशराज की तरफ से करवाई गई है कि साउथ के एक्टर को लो ताकि वहाँ पर भी फिल्म चले, और स्पाई यूनिवर्स पूरी जब कनेक्ट हो जाएगा तो फिर ऐसा होगा कि अगर जैसे पठान जैसी फिल्म आती है या टाइगर थ्री जैसी एक फिल्म आती है जिसमें साउथ का कोई एक्टर नहीं है, वो भी वहाँ पर चल जाएगी, क्यों, क्योंकि वो कनेक्टेड है तो ऑडियंस देखने के लिए चली जाएगी। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, मज़ा आएगा ऑडियंस को, मुझे लगता है बेहतरीन होने वाला, और हो सकता है कि हमको शाहरुख सलमान खान का कैमियो भी देखने को मिल सकता है वॉर टू में, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है।